नमस्कार। दरभंगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जी हां, यूपी नंबर बस से मिला शराब की बड़ी खेप। यूपी से बिहार लाया जा रहा था शराब की बड़ी खेप, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। शराब तस्कर, जी हां, बिहार में हार नहीं मान रहे हैं। कभी बाइक में तो कभी ट्रक में। अब ये तस्वीर देखिए, स्लीपर बस में भड़ भड़ कर यूपी से बिहार लाया जा रहा है विदेशी शराब। इन तस्वीरों में देखिए किस तरह से शराब की जो शराब तस्कर हैं, वो इस बस में किस तरह से जगह बनाकर बड़ी खेप बिहार में ला रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि पुलिस की नजर से कैसे बचेगी। गुप्त सूचना के आधार पर जब बस को रोककर चेकिंग किया गया तो उसमें से कई सौ लीटर शराब बरामद किया गया, जिसको लेकर के दरभंगा डीएसपी ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। मामला यह है कि गुप्त सूचना के आधार पर कल रात एक यूपी नंबर की बस पकड़ी गई। बस में गौरतलब बात यह है कि पैसेंजर्स नहीं थे, स्लीपर्स बनाए हुए थे सोने के लिए, और ये बस विशेष रूप से डिज़ाइनिंग इसी की गई थी शराब के इंपोर्ट के लिए, शराब की तस्करी के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन बस थी, जिसमें तहखाने बने हुए थे। तहखानों के अंदर से लगभग 1500 लीटर शराब शराब बरामद हुई है। एक गिरफ्तारी भी हुई है, आगे पूछताछ की जा रही है। कहाँ वो आ रही थी, कहाँ से बात आ रही है? ये यूपी से आ रही थी, हथौड़ी पुल के पास, हायागढ़ थाना अंतर्गत हथौड़ी पुल के पास बांध है, उसके किनारे पर। क्या लग रहा है, बहुत काफ़ी दिनों से मतलब ये पूछताछ की जा रही है, जो रेस्टोरेंट व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि जो मॉडल ऑपरेंडी है उसके बारे में पूछा जा रहा है।